गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। सब्सक्राइब अहम बायोलॉजी क्लासेस एंड प्रेस दिस नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि ईएमआरएस में प्रीवियस ईयर आए थे। ये हमारा जो है ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम पार्ट 6 कवर कर चुके हैं जिसमें 10 एमसीक्यू थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक करके जरूर वीडियो देखें, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पार्ट 7 जिसमें 10 एमसीक्यू है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हुए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देन डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ कलर ब्लाइंड मेल ह्यूमन मैरी अ नॉर्मल विजेंट फीमेल, हाउ मैनी ऑफ द डॉटर विल बी कैरी ऑफ दिस ट्रेड। एक कलर ब्लाइंड मेल है, उसने शादी करी एक नॉर्मल विजेंट फीमेल से। तो पूछा गया है कि जो डॉटर होंगी उसमें कितना परसेंटेज चांस है कि वो कैरी करेंगी ट्रेड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 25%। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन में बोला गया था एक कलर ब्लाइंड मेल है, इसने मैरी किससे करे हैं, इसने मैरी करा है एक नॉर्मल विजेंट फीमेल के साथ। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड का जो जीनोटाइप होगा वो एक्स सी एंड वाई। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंड मैन है और कलर ब्लाइंड ने जो है ये एक्स लिंक्ड हेरिडिटरी डिजीज होता है। ठीक है, अ नॉर्मल फीमेल जो है इसका जीनोटाइप होगा एक्स एक्स। तो यहाँ से जो हमें गैमेट मिलेंगे, एक मिलेंगे एक्स सी, दूसरा मिलेगा वाई, यहाँ से जो गैमेट मिलेगा मिलेगा एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम देखते हैं कि कितनी जो डॉटर है वो कैरी करेंगे। तो ऊपर है हमारे मेल गैमेट एक्स सी एंड वाई, नीचे है हमारे फीमेल एक्स एक्स। तो क्रॉस कराते हैं, पहला एक्स सी एक्स एक्स वाई, देन एक्स सी एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स वाई वाले हैं ये क्या है, ये तो सन है और ये है डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि हाउ मैनी डॉटर कैरी करेगी ट्रेड को। तो देखो जितनी भी डॉटर होंगी, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सभी कैरी करेंगे उस ट्रेड को। तो क्या होगा आंसर, 100% आंसर क्या होगा, 100% कैरी करेगी डिजीज को। हाउ मैनी ऑफ द डॉटर विल बी कैरी ऑफ दिस डिजीज, 100%, क्योंकि जितनी भी डॉटर हमने देखी, जितनी भी डॉटर हुई, दो सन हुआ, तो दोनों में से क्या थी, दोनों ही क्या थी, कैरियर थी, सन कैरियर नहीं थे। तो आंसर होगा इसका 100%। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन हमें किससे मिलती है। ऑप्शन ए है फ्रूट ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज, ऑप्शन बी स्टेम ऑफ ग्रेविया स्पीसीज, ऑप्शन सी सीड ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज एंड डी स्टेम ऑफ कॉर्करस स्पीसीज। बताइए कॉटन हमें कहाँ से मिलती है। अब हमें ये पता है कि जो कॉटन है हमें मिलती है गॉसिपियम से, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रूट से मिलती है या सीड से मिलती है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा सी। हमें कॉटन जो मिलती है वो हमें मिलती है सीड ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है,
मेन डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वीट एंड राइस इज द प्रेजेंस ऑफ, जो मेन डिफरेंस होता है ना केमिकल कॉम्पोजिशन वीट एंड राइस की, वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज इन वीट, वीट में ग्लूकोज होता है एंड एब्सेंट इन राइस। ऑप्शन बी है ग्लूटेन इन वीट एंड इट्स एब्सेंस इन राइस। सी है प्रोटीन इन वीट एंड इट्स एब्सेंस इन राइस। देन डी है स्टार्च इन वीट एंड इट्स एब्सेंस इन राइस। बताइए कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है बी, ग्लूटेन इन वीट, वीट में ग्लूटेन होती है एंड इट्स एब्सेंस इन राइस, राइस में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो गया बी। देन क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट ऑफ विथनिया सोमनीफेरा इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस के लिए विथनिया सोमनीफेरा का कौन सा पार्ट जो होता है हम यूज करते हैं। अब ये विथनिया सोमनीफेरा कौन सा प्लांट है, इसका कॉमनली नेम है अश्वगंधा। क्या है, अश्वगंधा। तो हम अश्वगंधा का कौन सा पार्ट यूज करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्लावर या ऑप्शन डी फ्रूट। बताइए कौन सा पार्ट जो है हम अश्वगंधा का मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ए, हम अश्वगंधा की रूट को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है अश्वगंधा का, ये भी याद रखना, साइंटिफिक नेम है विथनिया सोमनी फेरा और इसकी हम रूट को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है जीन्स विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर नोन एज, वो जीन जो कि हमें परमिट करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके रिकॉम्बिनेंट क्लोन को, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है अडेप्टर जीन, ऑप्शन बी एक्सप्रेशन जीन्स, ऑप्शन सी लिंकर जीन या ऑप्शन डी रिपोर्टर जीन। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है डी, रिपोर्टर जीन। जीन्स विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर नोन एज रिपोर्टर जीन। देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है गम गूगल इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो गम गूगल हम घर में यूज करते हैं वो हमें किससे मिलती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉमीफोरा विक्टी, ऑप्शन बी है कॉनवोवस आर्विनस, ऑप्शन सी ग्रेविला रोबोस्टा, ऑप्शन डी ग्यूजुमा ऑलमी फोलिया। किससे मिलती है हमें ये गम गूगल, जो गम गूगल है ना ये हमें मिलती है कॉमीफोरा विक्टी से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लंप ड्यूरिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट कल्चर। जो डाइकोट कल्चर हम करते हैं उसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंशिएशन में एम्ब्रियोनिक क्लंप में। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन एंड साइटोक्रोम, ऑप्शन सी इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड एंड ऑप्शन डी गिबरेलिन एंड ऑक्सिन। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लंप ड्यूरिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट कल्चर।
देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस सक्सेसफुली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वॉज. जो पहला ह्यूमन हार्मोन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया था उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी कैल्सीटोनिन, ऑप्शन सी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी ह्यूमलिन. बताइए कौन सा हार्मोन जो है बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके. यस, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है डी. ये ह्यूमलिन हार्मोन जो है ये बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके. अब ये हार्मोन क्या है, देखो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनको कभी कभी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप इंसुलिन को जो है वो लो. तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने जो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्मोन बनाया था वो इंसुलिन बनाया था और उसका नाम दिया था ह्यूमलिन. ठीक है, अब बनाया किसने था, इसे बनाया था बायोटेक कंपनी जेनटेक ने जो कि फर्स्ट बायोटेक कंपनी थी. और इसको लाइसेंस किसने दिया था, इसको लाइसेंस दिया था एक फार्मेसी कंपनी इली लिली ने. ठीक है, तो पहला हार्मोन जो बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वो था ह्यूमलिन जो कि जेनेटेक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया था. देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 है फ्लेवर सेवर टोमेटो वेयर प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ. फ्लेवर सेवर टोमेटो जो प्रोड्यूस होता है इसमें क्या होता है, ब्लॉकिंग कर देते हैं जीन एक्सप्रेशन की. तो किसकी जीन की एक्सप्रेशन को हम ब्लॉकेज कर देते हैं तब फ्लेवर सेवर टोमेटो बनता है, ये यहाँ पर पूछा गया है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है पैक्टिनेज, ऑप्शन बी है पॉलीग्लैक्टो यूरिनेज, ऑप्शन सी है इमाइलेज एंड ऑप्शन डी है काइटिनेज. बताइए कौन सा जीन जो है इसकी एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देने से फ्लेवर सेवर टोमेटो बनता है. क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है बी. फ्लेवर सेवर टोमेटो वेयर प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीग्लैक्टो यूरिनेज. ओके, देन डिस्कस करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 70. ये आज के हमारे 10 MCQ हैं. आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हैं. तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 70 है गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विद द प्रिक्योर्सर ऑफ विच विटामिन. जो गोल्डन राइस होता है वो कौन से विटामिन के प्रिक्योर्सर से इनरिच्ड होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन के. बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर. देखो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ए. गोल्डन राइस जो होता है ना ये बीटा कैरोटीन से इनरिच्ड होता है और ये बीटा कैरोटीन किसका प्रिक्योर्सर है, विटामिन ए का. क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो गया ए. तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट. Thank you. Have a nice day.